हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का समय है और सुबह से आज बरसात है। सावन का आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है और कल से बरसात हो रही है बढ़िया। तो देखिए, अब तो हल्की हो गई लेकिन सुबह से बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। मुझे ना खाना भी बना दिया, गंगन के लिए नाश्ता बना दिया है क्योंकि उसका ड्यूटी जाने का समय होगा, 7:30 बज चुके हैं। तो वही हो रहा है, अब सावन सावन का महीना है, भोले बाबा भी जल चढ़ रहा है और देखिए राम जी भी जल चढ़ा रहे हैं। बरसात बढ़िया हो रही है, सावन से शुरुआत कर दी। कल ही पूरा दिन बरसात बढ़िया रही है और आज भी सुबह से ही बरसात शुरू कर दिया है। कल तो मैं ड्यूटी पे आया था ना, भीग तो आया था, नहा तो आया था बिल्कुल। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो कि आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखें, तो अभी मैंने खाना बना लिया है, नाश्ता भी बना कर दे देता और खाना भी साथ के साथ खाना भी बना दिया है नाश्ते के साथ। और खाने में बनाई है मैंने लौकी की सब्जी। ये पापा जी को लौकी पसंद है ना, तो इसलिए रात में लौकी लाए थे, इस मैंने लौकी बना दी है। तो शुरू हो चुकी है, सुबह तक बारिश पड़ रही है, जब अच्छा मौसम हो रहा कल से। कल भी बारिश आ रही थी और आज भी, अच्छी बात है। तो अभी मैं कर देती हूँ पोछा का काम। कपड़े तो मैंने कल धो देते, आज बृहस्पतिवार है, आज कपड़े नहीं धोने के। और जो कपड़े मैंने शाम के टाइम धोए थे ना, तो मैं फला यहाँ पर फला दिया है, कुछ मशीन पे फला दिया है और कुछ कार्ड पे फला दिया है। ज़्यादा तो थे नहीं, 2-4 ही थे बस जो शाम के टाइम धोए थे बस। आज तो मैंने जल्दी काम निपटा दिया है। और ये रोड से जा रही है छत पे, मुझे लगे शायद छत पे बैठी हुई जी। इसमें ना ऊपर कल भी नाली थी बारिश में और आज पता नहीं कैसे कर गया। देखो नहीं, ये लेट रही है नीचे। और मेरा ना अनाज भी ऐसे रखा है, 2 दिन की धूप लगी नहीं थी और अभी गिल्ला सा ही हो रहा है, ज़्यादा धूप नहीं लगी इनमें क्योंकि कल से बारिश भी आ रही है। तो कल जो बारिश ना आती ना तो सूख जाता मेरा अनाज। तो और यहाँ पर देखिए, वो बच्चा ना ऊपर से गिर पड़ा है, यहाँ से देखिए ये वाला, और इसकी माँ देख रही है यहाँ से। देखो एक नीचे बैठे हैं और 2 ऊपर, देखिए कित। छोटू देखो ये गिर पड़ा गया, इसका ना चोट लग रही, देख आराम से टाइए आराम से। देख देख डर रहा है, देख ऊपर से देख रही इनकी माँ, देख और देख आराम से आराम से। ये देख रहे ऊपर से ही पैर में हो रही, पैरों में। देख क्या सो रहे, देख आराम से आराम से। देख पैर को रिश्ते, पैर सीधे नहीं हो रिश्ते, पैर आराम से। सीधा कर ले से सीधा आराम से। देख पिसके पैर में है चोट, पैर ही टूट गए इसके, दोनों ही हो रहे दोनों ही। ये तो ठीक है, ये वाला हो रहा। देखे कितनी परेशान हो गई, देखो ओ सर छोड़ दो इसमें, देख कैसे देख रही है, हाथ नहीं जाने का इधर परेशान वाली। और इधर पाई लिया है सीढ़ी, चले उड़ जा पूरा उड़ जा। देख उड़े जिसकी मार आराम से करिए, आराम से सीढ़ी टूट रही है। तो ओए छोड़ा छोड़ा ना छोड़ा ना, आराम से आराम से। पैर देख मारी वाली कितनी परेशान हो रही है, देख कैसे हो रहे झूल रहे के झूल। ओ पैर धर लो उस पे, पैर नीचे वाले क्या दे दो आराम से।
बस बस ही आराम से बैठ जा लिए तो इधर बिठा दे आराम से सर। ये तार से ना तार सा नीचे पीछे का पीछे का ये नीचे का थोड़ा ये नहीं ये पीछे वाला जो नीचे का पे नीचे पीछे से अब पीछे वाले को पीछे पीछे कर दे इधर को ब्रो। ओ भाई ये लिकड़ जाएगी पेट के लिकड़ जाएगी दिमाग देगी। पांच है पांच चार पांच बैठे जल्दी बांध दे ना। बस बस छोड़ पा छोड़ पा छोड़ पा छोड़ पा छोड़ पा बस बस आज आराम से चाहिए। और यहाँ पे बैठी है हमारे वाली इंतजार कर रही है। देखिए ये देखिए कावड़ियों का आगमन हो चुका है और उन्हीं के लिए सुवाई जगह लिए हम लगा रहे हैं बैनर। पकड़िए बैनर सभी से भक्तों के लिए सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध है सौजन्य ग्राम से डब्बर सामुदायिक शौचालय है और ये सबके लिए है और बोलों के लिए भी है। तो यहाँ पर बैनर लगाया हमने। भाई आया है अभी रोटी पे से और वह खाना खा रहा है और देखिए समोसे लाया है दो रखे हैं एक मेरा और एक गगन भाई का तो खा लेते हैं। आप भी खा लीजिए समोसे गरम गरम। देखिए वो इधर बना दी थी भाई ने चाय अपने लिए थोड़ी सी रखी है। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी डाल ली है देखिए और लाल वाली भी देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप भी खा लीजिए। सारा काम निपटा दिया बस बहुत अंधेरा है जिसमें अभी चाय पी है नाश्ता कराया हमने दोबारा समोसों का और भाई का टिफिन है जो भाई अभी आया था टिफिन में खाना ले जाएगा ना तो ये वाला रखा है इसे भी साफ कर देती हूँ। पता नहीं दो दिन से ना डिश नहीं आ रहा हमारे यहाँ पर तो कुछ परेशानी हो रही ऊपर छतरी में ही तो देखनी पड़ेगी या तो मैं ही देख पाती हूँ नहीं फिर शाम के टाइम भाई कह दूँ तो अभी ना इसमें चित्र नहीं आ रहे। थोड़ी सी देर टीवी देख लेते थे टाइम पास हो जाता और पता नहीं क्या हो रहा है देखती हूँ। देखो नो सिंगल बता रहा है तो ऊपर छतरी में कुछ परेशानी हो रही है या तो बारिश में गिल्ली हो रही है कि कल से बारिश आ रही ना तो कभी इसकी वजह से ही हो रहा हो गिल्ला हो रहा हो छतरी। चलो मैं चलती हूँ देखने के लिए ऊपर छत पे लेट गया जिन्ने पे। देख ले तू जरा तार से हिला गया देखिए कितना अच्छा पेड़ हो रहा है हमारा इस पर ना पत्ते नहीं आते। देखो ये ना हमारे जब पुराने मकान थे ना जब काया वो छोटा सा लगा देता ये डैनिस एक बस वो डैनिस लगा देते हैं इस पर वो देखिए इतना बड़ा हो चुका था वो और हरा हरा सा हो रहा है तो अन्य धूप में ना पीला पीला सा हो जाता है और बारिश पड़ रही है ना दो दिन से और पहले भी पड़ी थी नहीं ला दिया देख लिया छतरी ला के देखती हूँ आया नहीं आया फिर अन्य शाम के टाइम दिखाना पड़ेगा इसे। ये भी मेरी साथी आ रही है ऊपर से अभी ऊपर ही लेटी थी। आओ चलो नीचे आ जाओ देख चुन्नी तो छोड़ दो चुन्नी आया बस दिखाना पड़ेगा इसे। ना भाई आया रहा नहीं कोई नहीं शाम के टाइम की पार्टी इधर फोन ही चला लूँ टाइम सा पास हो जाता है वैसा टीवी देख लेते हैं और इन्हें फ़ोन देख लेती हूँ मैं और इसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो चलो मैं बर्तन साफ कर देती हूँ इतने ये वाले टिफिन ये ना ये पड़ा था तो इसलिए टूट गई थी तो इसका ना बदलना पड़ेगा दूसरा लाएगा नवा तो दो इतने चला रहे काम अन्य नया लाने पड़ेगा टिफिन तो भाई के लिए। फिर ना मैंने आटा भी यहीं रख दिया था तो थोड़ा सा आटा पिसवाया था क्योंकि बारिश में ना वो ना अनाज रखा है नहीं और इसे ना रिता देती हूँ मैं आटे को इन्हें थोड़ा सा रहता वैसे ही बिना धोए था वो तो इसलिए पिसवाना पड़ा इसे।
ही था कुछ दिन जो जहाती है ना, कल बारिश पड़ी थी शाम के टाइम तो सारी ना सलेबी में भी सिल लंबे से हो गई थी, पानी आ चुका था, ये इसमें ना कुछ पौधा डालना पड़ेगा। जाली सी है ना, तो जाली की वजह से ना जहाज सी आई थी कल और रसोई में पानी भरा था और सलेब पे भी, तो मैं सोच रही यहाँ पर ना पौधा सा लगा देती हूँ। आज पौधा था इसका जो पहला पौधा बनाया था हमने सोने दीदी ने बनाया था, तो वही वाला टांग देती हूँ, इसे धोकर रख दिया था मैंने अलमारी में, तो अभी कर देती हूँ इसका इंतजाम भी। अंदर से साइड मैंने पर्दा लगा दिया है पहले वाला जो बाहर की साइड लग रहा था ना पर्दा, तो इसलिए मैंने अंदर की साइड लगा दिया है। देखिए ना तो बारिश में गीला होने का वो और ना ही ख़राब होने का, धूप में मुझे हवा भी नहीं आने की और ना बारिश आने की, इधर को जो जा आती है ना बारिश की ना वो आने की। और इसे टांगने के लिए भी कील यहाँ पर कील रखी है, जो देखिए जो गर्मी होती है तो इसे कर देते हैं आराम से यहाँ पर, देखो कहते हैं इस तरफ हवा के भी है इंतजाम यहाँ पर। तो देखिए जी आज पूरा दिन हो गया बरसात में, कुछ बरसात में हो गया कुछ बिना बरसात के हो गया। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले दिखाया था मैंने आपको तालाब, अब उसमें बरसात का पानी भर गया। देखिए हुसैनपुर खानपुर, तो आज मेरा फील्ड में दौरा है, तो आज पूरा दिन फील्ड में हो गया। पहले तो रोड वाले काम थे कवर्ड के लिए, जो है शौचालय सफाई करवाई उनकी, वहाँ पर सफाई कर्मचारी लगवा रखे और वैसे मजदूर लगवा रखे। तो अब आया हूँ जियो टैग करने के लिए, तो मरने का जियो टैग चल लिया, यहाँ लगेंगे प्लांटेशन होगी, पौधे लगेंगे चारों ओर, तो उनके फ़ोटो खींचने के लिए आया था अब जा। तो यहाँ से चलता हूँ सैनपुर कला बुआड़ा खानपुर, तो मदीनपुर से डब्बर ये घूम आया हूँ, अब खानपुर चलता हूँ। और अब जो है 3 बज चुके हैं, तो 1 घंटा और लग जाएगा मुझे, उसके बाद अपना ऑफिस में पहुँचूँगा। लहरी अनाज खा रही है यहाँ पर ना अनाज रखा था, तो काफ़ी दिन बाद आई है यहाँ पर, देख और ये खा रही है आराम से, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये लहरी। देखिए धूप निकल चुकी है और हवा भी अच्छी चल रही है, देखिए गर्मी नहीं है हवा चल रही है नीम पे। और ये क्या ही 2 गिलहरी आ रही थी यहाँ पर अनाज खाने के लिए और जा चुकी है, एक तो इधर जाली और एक इधर जाली।